हेलो, एक पिछले वीडियो का शेष भाग है जिसमें डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट सीएस में डायरेक्ट नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट से ई टू आर्थो बेटा एंड पैरा पोजीशन। यहां पर देखिए कि ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसके बाद यहां से ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल कोई होता है। जब ये हटता है, ये सब फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है, तो आगे जो हमारे आर्थो पर लगने वाले होते हैं, दो तरह से लगते हैं। क्योंकि जब हम यहां पहुंचते हैं, एक ही कार्बन होता है, तो आर्थो पोजीशन ये भी होता है और आर्थो पोजीशन ये भी होता है, और यहाँ अपना मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन होता है। तो आर्थो पोजीशन पर 2 और 6 दोनों इस तरह से हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स लग सकते हैं, और उसके बाद फिर मेटा पर चले तो मेटा पर भी हम दे सकते हैं। इस तरह से 3 और 5 पोजीशन पर भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हो सकते हैं, और पैरा पर अकेले केवल एक चौथे पोजीशन पर, चौथे नंबर पर लग सकता है। इस तरह के स्ट्रक्चर आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, This is the purely depending on the first substituents. ये केवल first substituents पर depend करते हैं। So this is called the directive or orientation effect. इसीलिए इनको directive या orientation effect कहते हैं। Simply arrangement of next substituents on the available position. दूसरा मेटा डायरेक्टिव इफेक्ट। तो इसमें से हम पहले को ले लेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट। सम ग्रुप directs the second substituents to ortho and para position. कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स का काम करते हैं, जो ortho और para position पर एड होते हैं, कॉल्ड एज ortho para directors. तो इन्हें हम ortho para directors कहते हैं। यानी जो ग्रुप सेकेंड सब्स्टिट्यूशन के रूप में ortho para position पर आकर जुड़ते हैं, तो उन्हें हम ortho para directors कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल गिव्स ऑन नाइट्रोफिनॉल 53% एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल 47% एंड नो बेटा प्रोडक्ट्स, और इसमें कोई भी बेटा प्रोडक्शन नहीं बनता है। तो ये देखिए, ये अपना फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाता है, तो ये फिनॉल को सोख कर दिया है। इसका हम नाइट्रेशन करते हैं, क्योंकि आपको हम पिछले कई वीडियो में दिखा चुके हैं कि नाइट्रेशन कैसे होता है। ये जो HNO3 है, इस HNO3 को हम तोड़ देंगे, HNO3 को इस तरह से हम तोड़ देते हैं HOH माइनस और NO2 के फॉर्म में इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है NO2। यही इलेक्ट्रोफाइल आकर यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में काम करता है, और इस तरह से ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन 53% हो जाता है। उसके बाद आगे जो बनता है, आगे हम पढ़ते हैं, तो जो 47% होता है, यही इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 है, आगे पैरा पोजीशन पर आकर ऐड हो जाता है। इस तरह से 47% नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो आई कैन से दैट फिनॉल OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। इस प्रकार से हमने कह दिया कि फिनॉल जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स का काम कर रहा है। हियर आर सम मोर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, हेलोजन, हेलोजन के अंतर्गत जितने
जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, एडो, ये सभी हैलोजन्स भी आपके पैराडायरेक्टर्स का काम करते हैं। सो दैट फिनाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर आल्सो एंड OCl3 मेथॉक्सी आर एल्कॉक्सी ग्रुप भी इसमें आर्थो पैराडायरेक्टर्स का काम करते हैं। एंड अमीनो में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन आल्सो आर द आर्थो पैराडायरेक्टर्स। एंड एल्किल ग्रुप में मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, ये भी आर्थो पैराडायरेक्टर्स का काम करते हैं। थैंक यू बच्चों, इसके आगे के वीडियो हम अपने अगले लेक्चर में देंगे। थोड़ा इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये सब कहीं कहीं मैकेनिज्म से रिलेटेड है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे छोटे छोटे वीडियो में आपको क्लियर कट दे रहे हैं। थैंक यू। ओके।